गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आरवीएल पब्लिक स्कूल क्लास फिफ्थ। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू हिंदी लेसन 14। आशावान रहो, यानी कि हमें किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। चलिए अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक हिरनी रहती थी। वह बच्चे को जन्म देने वाली थी। वह किसी सुरक्षित स्थान को खोज रही थी जहां वह बच्चे को जन्म दे सके, यानी कि वह ऐसा स्थान खोज रही थी जहां उसे और उसके बच्चे को कोई हानि ना हो। वह तेज धार वाली नदी के किनारे चलते चलते उस स्थान पर पहुंची जहां घनी झाड़ियां थी। वहां की घास भी मुलायम थी। उसे वह स्थान सुरक्षित लगा। तभी उसे तेज दर्द होने लगा। उसे लगा कि अब बच्चा जन्म लेने ही वाला है। उसी समय आसमान में काले काले बादल छा गए और उनके बीच बिजली चमकने लगी। बिजली की चिनकारी से जंगल में आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी और हिरनी घबरा गई। जब आग जंगल में फैल गई तभी हिरनी को घबराहट होने लगी कि अब क्या होगा। उसने अपने दाईं ओर देखा, उधर एक शिकारी खड़ा था जो उस पर तीर का निशान लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने घबराकर बाईं ओर देखा, उधर एक शेर उस पर घात लगाए उसकी ओर बढ़ रहा था। अब हिरनी करे तो क्या करे, उसे लग रहा था कि अब वह क्या करे, कहां जाए। वह बच्चा होने के डर से बेचैन थी, इसलिए भाग भी नहीं सकती थी। उसे चारों ओर मौत दिखाई पड़ रही थी। सामने जंगल की आग, पीछे तेज धार वाली नदी, एक ओर शिकारी, दूसरी ओर पल पल निकट आता शेर दिखाई दे रहा था। तो उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। थैंक यू।